हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में TIFR GS फिजिक्स का जो एग्जाम होता है इंटीग्रेटेड PhD और PhD के लिए, उसका जो डिटेल्स PBS या एनालिसिस है वो देखेंगे, और उसके साथ जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी देख लेंगे, और कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न जो है टोटल 3 सेक्शन रहता है फुल क्वेश्चन पेपर पे। सेक्शन ए जो कॉमन सेक्शन है PhD और इंटीग्रेटेड PhD दोनों कैंडिडेट के लिए, और सेक्शन बी जो रहता है सिर्फ इंटीग्रेटेड PhD के लिए, और सेक्शन सी जो रहता है ओनली PhD कैंडिडेट के लिए। तो फिर देखिए कि पहला जो कॉमन टॉपिक है PhD और इंटीग्रेटेड दोनों कैंडिडेट के लिए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 25, और एक क्वेश्चन करेक्ट होने से 3 मार्क मिलता है, और एक क्वेश्चन गलत होने से एक नंबर नेगेटिव हो जाता है। तो सिमिलरली सेक्शन बी के लिए जो इंटीग्रेटेड PhD कैंडिडेट अटेंड कर सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 15, और इसमें एक क्वेश्चन करेक्ट होने से 5 मार्क्स, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। तो फिर इंटीग्रेटेड PhD कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कॉमन सेक्शन से 25, सेक्शन बी से 15, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 40। तो सिमिलरली PhD कैंडिडेट के लिए भी कॉमन सेक्शन से 25 और सेक्शन सी से 15 क्वेश्चन, तो दैट मीन्स इसके लिए भी 40 क्वेश्चन रहता है। दोनों के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 40, और सेक्शन सी जो PhD कैंडिडेट के लिए, इसमें भी एक क्वेश्चन करेक्ट होने से 5 मार्क मिलता है, और कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। तो दोनों कैंडिडेट के लिए टोटल मार्क जो है 150। नेक्स्ट स्पेसिफिक टॉपिक में से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है PBS कुछ सालों में वो देख लेंगे। जैसे एक टॉपिक है कि मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें देखिए कि सेक्शन ए जो है कॉमन सेक्शन जो है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है हर साल, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में इसका जो वेटेज है 2 या 1 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है फुल क्वेश्चन पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसमें भी जो क्वेश्चन आ रहा है कि फुल क्वेश्चन पेपर में देखिए 7 से लेके 8 क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें कॉमन सेक्शन में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मिलता है हर बार। तो इसलिए जो ए भी टॉपिक है इसमें क्वेश्चन जो आता है 7 से 8, तो ए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्चुअली मैकेनिक्स जो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटन मैकेनिक्स मिला के। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें देखिए कॉमन जो सेक्शन है इसमें 4 या 3 क्वेश्चन मिल जाता है, और टोटल नंबर जो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है 7 से 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है TIFR के लिए, जो है कि मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फुल क्वेश्चन पेपर में 9 से 10 आ जाता है, और इसमें देखिए कॉमन सेक्शन में से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाता है, और सेक्शन बी इंटीग्रेटेड PhD के लिए 2 क्वेश्चन आ जाता है, और PhD कैंडिडेट के लिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, जैसे 2021 में 4 क्वेश्चन आ गया है। तो दैट मीन्स एडवांस जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है TIFR के एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए कि थर्मल फिजिक्स, इसमें कॉमन सेक्शन में से 3 या 4 क्वेश्चन आ जाता है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसका जो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है 6 से लेके 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में से कॉमन सेक्शन में 3 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें जो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है 5 से लेके 6। नेक्स्ट वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स TIFR के लिए इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जहाँ पे ऑप्टिक्स में से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, और ऑसिलेशन वेव से 1 क्वेश्चन आ जाता है, तो टोटल इसमें जो क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है देखिए 4 से लेके 5, और इसमें कॉमन सेक्शन में से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाता है, और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, और सेक्शन सी में भी 1 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, TIFR में इसमें कम क्वेश्चन आता है, जैसे दो या तीन क्वेश्चन आता है, और वो जो है एक क्वेश्चन आता है कॉमन सेक्शन में से, और एक क्वेश्चन आता है कि सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है 2 से लेके 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है हर साल। तो देखिए कॉमन सेक्शन में से एक क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, और सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन, और सेक्शन सी में दैट मीन्स PhD के लिए भी एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है 2 से लेके 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट एक TIFR में एक जनरल फिजिक्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई ग्राफ गिविन रहता है तो उसमें से कुछ एनालिसिस करना होता है, या कुछ इंटीग्रेशन वगैरह, कुछ बेसिक जो फिजिक्स है स्कूल लेवल का फिजिक्स में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें भी एक या दो क्वेश्चन हर साल आ जाता है। तो जहाँ पे एक दो क्वेश्चन कॉमन सेक्शन में ही पूछा जाता है, और सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है। बट देखिए कि 2021 में कॉमन सेक्शन में से जनरल फिजिक्स में से 5 क्वेश्चन आ गया था। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है 2 से लेके 3। तो देखिए ये जो टॉपिक था कि स्पेसिफिक यही टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल जो क्वेश्चन है कि 40 क्वेश्चन फॉर PhD के लिए, और 40 क्वेश्चन जो है कि इंटीग्रेटेड PhD के लिए। तो देखिए एक्चुअली कुछ जो टॉपिक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस किया है उसमें लगभग पहला पहला जो टॉपिक इसी में जो डिस्कस किया हुआ है, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो, क्लासिकल मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो 4 टॉपिक है, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड जो था मैकेनिक्स, ये 4 जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें 7 से लेके 8 क्वेश्चन हर साल आ जाता है फुल क्वेश्चन पेपर में से। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे थोड़ा कम जो इंपॉर्टेंट है वो है कि थर्मल फिजिक्स एंड उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके साथ वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि 4 से लेके 5 क्वेश्चन, और सबसे जो मोस्टली जो कम इम्पोर्टेंट है वो है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और इसके साथ न्यूक्लियर फिजिक्स और जनरल फिजिक्स, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये है एक्चुअली स्पेसिफिक टॉपिक वाइज जो एनालिसिस। नेक्स्ट TIFR 2022 में स्पेसिफिक टॉपिक में से कितना क्वेश्चन आया है, तो वो आप लोग देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आया है क्वांटम मैकेनिक्स में, और देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देन मैकेनिक्स एंड देन मैथ फिजिक्स। तो मैंने अभी बोला था कि 4 जो टॉपिक है, ये जो 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देन उसके बाद थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टिक्स, हाँ तो ये मिला के, और जनरल फिजिक्स इस साल ज़्यादा आ गया था, बट तो देन जो इम्पोर्टेंट है ये 3 टॉपिक है, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेव ऑसिलेशन। सॉलिड स्टेट या न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा कम आता है, तो इसमें इसलिए सॉलिड स्टेट या न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इससे भी कम इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके 2023 भी आप लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन जो है देखिए कि 8 क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिक्स, मैथ फिजिक्स, तो ये 4 जो टॉपिक है हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन यही से पूछा जाता है TIFR एग्जाम में। तो देन जो इम्पोर्टेंट है थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड देन जो इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यही था TIFR PBCER का एनालिसिस। तो सबको थैंक यू।